अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने क्या कहना कि कुछ बॉडी एंड साथ में निकॉन की भी बॉडी लेके आया, लेकिन वीडियो देखते पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर लाजमी क्या करो और वीडियो को पूरा देख लेकर कैसे स्किप मत क्या करो एंड जो दूसरे बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करो, जो भी नई वीडियो आती है आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास पड़ा हुआ है निकॉन का P900 पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपको आउटडोर के लिए अगर जूम की बात करें तो इसके अंदर सबसे बेस्ट जूम मिल जाता है, क्योंकि इसका 83 एक जूम है एंड फुल HD है, वीडियो भी आपको फुल HD देता है। एंड उसके बाद इसके साथ आप वाईफाई भी इसके अंदर है एंड रोटेटेबल LCD भी है। और जो इसकी आउटडोर शूटिंग की मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आउटडोर में आपने शूटिंग करनी है या वीडियो बनानी है तो आउटडोर के सबसे अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपको 83 एक जूम मिल जाता है। एंड जो इसकी प्राइस है 55,000 रुपये है, वेट 3 महीने गारंटी, बैटरी चार्जर साथ मिल जाता है। निकॉन का P900 मॉडल है जिसका प्राइस 55,000 रुपये है और इसकी कंडीशन 10.9 कंडीशन है। चलते हैं कैनन की तरफ। सो सबसे पहले हमारे पास कैनन का बड़ा हुआ है 700D बड़ा हुआ है, तो 700D का जो ऑडियो बुक्स पॉइंट है 30 ऑडियो बुक्स पॉइंट है एंड इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है एंड इसका 18 मेगापिक्सल है और ये टच LCD भी है एंड रोटेटेबल भी है। यूट्यूब के लिए अगर बंदा यूज़ करे तो बेस्ट ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर ब्लॉगिंग के लिए तरफ थ्रू देखें तो ब्लॉगिंग के लिए इसकी ऑडियो बुक्स पॉइंट जो है वो हल्के हैं, क्योंकि 30 ऑडियो बुक्स पॉइंट है। तो ये कैनन का 700D मॉडल है जिसका प्राइस 50,000 रुपये है विद 18-55 लेंस। उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो 800D पड़ा हुआ है कैनन का, 800D इसका 24 मेगापिक्सल है एंड इसका जो FPS है 60 FPS पे वीडियो बनाता है एंड इसके अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है, 24 मेगापिक्सल है, माइक ऑप्शन भी है। ये अगर आप चाहते हो तो ब्लॉगिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह यूट्यूबर है या ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कैनन का। ये 800D मॉडल है जिसका प्राइस 85,000 रुपये, इसका कंडीशन 10.9 कंडीशन है विद बैटरी चार्जर आल CC के साथ और 3 महीने गारंटी के साथ आपको मिलेगा 85K में, कैनन का 800D मॉडल। तो उसके बाद जो बड़ा हुआ है हमारे पास कैनन का 100D मॉडल पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपको 18 मेगापिक्सल मिल जाता है एंड माइक ऑप्शन भी है, लेकिन ये फिक्स LCD है, इसका LCD रोटेट नहीं होता है, लेकिन इसका LCD भी टच LCD है और ऑडियो बुक्स पॉइंट भी इसके अंदर है 30 FPS पे। तो ये भी यूट्यूबर के लिए अच्छी ऑप्शन है एंड अगर आप टिकटॉक कर रहे हो या आपने कोई और वीडियो बनाओ जिसके अंदर आपको माइक की ज़रूरत हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कैनन का 100D जिसका प्राइस 45K है और इसके अंदर भी आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है एंड 10.9 कंडीशन है। उसके बाद बड़ा इसके बाद हमारे पास जो बड़ा हुआ है कैनन का 1200D मॉडल पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपको माइक ऑप्शन नहीं मिलता, घरेलू उसके लिए अच्छी ऑप्शन है कैनन का 1200D एंड इसका जो प्राइस है 30K है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है, आप देख भी सकते हो इसको, बिल्कुल नई कंडीशन है कैनन का 1200D मॉडल है, बिल्कुल नए कंडीशन है जिसका प्राइस 30K है, इसके अंदर माइक ऑप्शन नहीं है लेकिन इसके अंदर वीडियो आप बना सकते हो एंड इसका 18 मेगापिक्सल कैमरा है। तो उसके साथ हम चलते हैं फिक्स लेंस के अंदर, जिसको अंदर लेंस हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास पड़ा हुआ है सोनी का एक मॉडल पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपको 30x जूम मिल जाता है एंड 18 मेगापिक्सल है और इसके अंदर आपको GPS भी मिल जाता है एंड थोड़ी बहुत आप LCD को भी इस तरह कर सकते हो जिस तरह मैं कर रहा हूँ और इसके अंदर आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो एंड इसका बटन से भी जूम कर सकते हो। तो ये सोनी का मॉडल है जिसका प्राइस 25,000 रुपये है और ये 18 मेगापिक्सल है। उसके बाद पड़ा हमारे पास पेनासोनिक का पड़ा हुआ है LZ40 मॉडल है जिसके अंदर 20 मेगापिक्सल है एंड 42x जूम है इसका और इसका जो प्राइस है 20,000 रुपये का है और ये आउटडोर अगर आप जूम करना चाहते हो कि दूर से मैंने वीडियो लेना है या क्लिक लेना है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर 42x जूम है तो ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर आउटडोर के लिए। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ पेनासोनिक का एक मॉडल पड़ा हुआ है जिसका मेगापिक्सल 14 मेगापिक्सल है एंड 36x जूम है इसके अंदर, साथ में 3D भी है एंड फुल HD वीडियो भी बना देता है, आउटडोर के लिए अच्छी ऑप्शन है क्योंकि ये फिक्स लेंस कैमरे होते हैं। बाद दफा DSLR कैमरा अगर हम कम बजट में लेते हैं, जिस तरह के 15-20 हज़ार के अंदर अगर हम DSLR लेते हैं तो उससे फिर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही आ जाता है कि हम इसको फिक्स लेंस वाला कैमरा लें, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले तो वीडियो आपको मिल जाती है, वीडियो ऑप्शन आपको मिल जाती है एंड इसके अंदर आपको अगर आप जूम लेते हो तो इसके अंदर जूम भी आपको बेस्ट मिल जाता है आउटडोर के लिए। तो DSLR अगर आप 15-20 हज़ार का लोगे तो इतना को बेस्ट कैम नहीं आएगा, सिर्फ तस्वीरों के लिए आ जाएगा, उससे आपको इतना काम नहीं होगा, तस्वीरों के लिए अच्छा कैम आ जाता है 20K में। तो उसके बाद जो हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन के अंदर एक मॉडल पड़ा हुआ है A6400 है जिसके अंदर 30x जूम है एंड HD है और ये 20 मेगापिक्सल है और बैटरी वाला है, तो ये कैमरा बिल्कुल 10x10 कंडीशन है और इसका जो प्राइस है 25K है, 25,000 रुपये है, कंडीशन बिल्कुल नई कैमरा है इसका और कैनन का है, बैटरी वाला है, साथ में बुक्स भी है और इसके अंदर 3 महीने गारंटी भी है साथ में, तो ये 25,000 रुपये का है कैनन का A6400। उसके बाद बड़ा हुआ हमारे पास सोनी का एक मॉडल पड़ा हुआ है मिररलेस के अंदर, NX-F3 मॉडल है जिसका मेगापिक्सल 16 है एंड अगर हम LCD की बात करें तो हम इसकी LCD रोटेट भी कर सकते हैं और साथ में 18-55 लेंस है और इसका जो प्राइस है 35K है, 35,000 रुपये है इसका। तो ये लाइट भी है एंड इसके अंदर आप एक्स्ट्रा लाइट भी लगा सकते हो और इसका अपना लाइट भी है, तो इसका जो प्राइस है 35K और कंडीशन इसकी 10x10 कंडीशन है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो हैंडी कैम पड़ा हुआ है एक पेनासोनिक का, जिसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाती है लेकिन कैम बहुत बेस्ट कैम है, इसके अंदर वाईफाई भी है अगर आप जाए तो, फुल HD भी है और अगर आप
काम करना चाहते हो तो पैनासोनिक का जो हैंडी कैम है बेस्ट कैम है, इसे माइक ऑप्शन भी है, यूट्यूब के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड टिकटॉक के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए। तो ये पैनासोनिक एक मॉडल हमारे पास हैंडी कैम पड़ा हुआ जिसका प्राइस 45,000-45,000 रुपये है, लेकिन कैम बहुत बेस्ट है, फुल HD वीडियो बनाता है एंड वाईफाई भी इसके अंदर है और आपको माइक ऑप्शन भी मिल जाता है और इसका 50x ज़ूम है। इसको आप ऑटो भी चला सकते हो एंड मैनुअल भी चला सकते हो। तो ये पैनासोनिक एक मॉडल है जिसका प्राइस है 45,000-45,000 रुपये, इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है ओलंपस का, जिसके साथ आपको एक 14-42 लेंस मिलता है एंड एक आपको मिल जाता है 40-150 लेंस मिल जाता है। तो ये सिर्फ तस्वीरों के लिए, वीडियो के लिए नहीं है, ये डबल लेंस साथ में है एंड बैटरी, चार्जर, बैग, 3 महीने गारंटी, सब कुछ के साथ आपको 20,000 रुपये का मिलेगा। इसके अंदर वीडियो नहीं है, सिर्फ तस्वीर के लिए यूज़ होता है। तो ये ओलंपस का एक मॉडल है, H410 मॉडल है जिसका 10 मेगापिक्सल है एंड डबल लेंस साथ में है, डबल लेंस, एक 40-150 लेंस है, एक 14-42 लेंस साथ में है। तो इसका प्राइस 20,000 रुपये है। तो उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पास आउटडोर के लेंस पड़े हैं निकोन और कैनन के। तो कैनन का जो हमारे पास सबसे पहले पड़ा हुआ है 75-300 लेंस है, आउटडोर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। जिस तरह की हमने करना हो आउटडोर प्रिंक वीडियोस या आपने आउटडोर शूटिंग करनी हो तो उसके लिए 75-300 सबसे बेस्ट लेंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको आउटडोर के लिए अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। तो इसका जो प्राइस है 14,000 रुपये है और कंडीशन 10x10 कंडीशन है एंड हिसाब से जो हमारे पास कंडीशन होती है उस हिसाब से इसका प्राइस होता है। बाद जब हम लेंस सस्ता देते हैं, बाद जब हमारे लेंस के अंदर प्राइस थोड़ी ऊपर हो जाती है क्योंकि उसकी कंडीशन के हिसाब से प्राइस होता है। तो उसके बाद पड़ा हमारे पास निकोन का 70-300 लेंस पड़ा हुआ है, ये भी आउटडोर के, लेकिन ये मैनुअल लेंस है, जिस तरह 3100-3200 और या 5300-5200 मॉडल का तो उसके ऊपर ये मैनुअल चलता है, ऑटो नहीं चलता है। जिस तरह की बड़ी बॉडी हो गई 7100-7200-7500 तो उसके लिए ये ऑटो लेंस है, क्योंकि ये मैनुअल लेंस है और ये बड़ी बॉडी के ऊपर ऑटो करता है। तो इसका जो प्राइस है 14,000 रुपये है और इसकी कंडीशन 10x10 कंडीशन है, बिल्कुल नई कंडीशन में है। एंड उसके बाद जो हमारे पास पड़ा हुआ है 55-300 लेंस पड़ा हुआ है, इसके अंदर VR ऑप्शन भी है। तो इसका जो प्राइस है 20K है और ये आप जिस मर्जी बॉडी के ऊपर लगा ले इसके ऊपर चलेगा। जिस तरह कि आपके 3100-3200 हो गया या आपके 7100-7200 का, उसके ऊपर भी ऑटो चलेगा एंड 3100-3200 के ऊपर ऑटो चलेगा। तो इसका जो प्राइस है 20,000 रुपये है और आप देख सकते हैं इसका 10x9 कंडीशन है, 55-300 VR लेंस, इसके अंदर VR भी है। VR का जो मतलब है अगर आपका हाथ शेक करता है तो इसने कंट्रोल करना है क्योंकि इसके अंदर VR होता है। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का 18-65 लेंस, जो हमारा इंडोर भी है एंड आउटडोर भी यूज़ होता है, इसके अंदर हम ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं। एंड 18-35 आप अगर जहाँ पर भी आप देखोगे तो जितनी भी यूट्यूबर है या आपका फोटोग्राफर है तो उसके साथ 18-35 लाजमी होता है, क्योंकि अगर आपने वेडिंग का काम करना हो तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाती है, या आपने आउटडोर शूटिंग करना हो या इंडोर शूटिंग करना हो तो 18-35 के अंदर आपको सारा कुछ आ जाता है। तो इसका जो प्राइस है 20,000 रुपये है।